Prime Minister Narendra Modi, who has chaired now a meeting with the state chief ministers over the emerging COVID-19 situation via video conferencing. Let's listen into what the Prime Minister has said. साथियों, बीते दो वर्षों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं मीटिंग है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। साथियों, कुछ राज्यों में से कोरोना के फिर से बढ़ते केसेस को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी हमारे सामने विस्तार में जानकारी रखी है। आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी कई महत्वपूर्ण आयामों को हमारे सामने रखा है। साथ ही आप में से कई मुख्यमंत्री साथियों ने भी कई जरूरी बिंदुओं को सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सबके बावजूद पिछले दो हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, दो साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। साथियों, आप भी समझते हैं और दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में
बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही है, लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें यह जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं, उनका 100% आरटीपीसीआर टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी भी बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए। साथ ही अगर कहीं कोई गैप है तो मैं आग्रह करूंगा कि टॉप लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाए, उसको भरने का प्रयास हो। मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पताल, इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है और मैन पावर को भी स्केल अप करना है। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम लगातार
कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। साथियों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है, उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से ये लंबी लड़ाई लड़ी है। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से, बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है, केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा। केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही आज देश में बड़े स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाया है। लेकिन साथियों, आज इस चर्चा में मैं एक और पक्ष का जिक्र करना चाहता हूं। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं, उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों की को तकलीफ न, इसलिए अपने वेट में टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5,500 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य,
मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना, अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वेट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर, आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है, कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है, हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते, अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मैं एक और उदाहरण देता हूं, अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है, और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है, मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया, अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज। साथियों, एक विषय और जिस पर भी मैं अपनी बात आज कहना चाहता हूं, देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है, और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं, जंगलों में, महत्वपूर्ण इमारतों में, अस्पतालों में आग की कई घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई हैं। हम सबको याद है वो दिन कितने पीड़ादायक थे जब पिछले साल कई हॉस्पिटलों में आग लगी और वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी, बहुत मुश्किल समय था वो, अनेक लोगों को इन हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसलिए मेरे सभी राज्यों से आग्रह है कि अभी से हम विशेषकर हॉस्पिटलों का सेफ्टी ऑडिट करवाएं, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें और प्राथमिकता के आधार पर करें, ऐसी घटनाओं से हम बच सके, ऐसी घटनाएं कम से कम हो, हमारा रिस्पांस टाइम भी कम से कम हो, जान माल की हानि ना हो,
इसके लिए भी मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप अपनी टीम को विशेष रूप से इस काम पर लगाइए और बिल्कुल मॉनिटरिंग कीजिए ताकि देश में कहीं हादसा न हो, हमारे निर्दोष नागरिकों को जान न गंवानी पड़े। साथियों, आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा मैं आपके लिए उपलब्ध रहता हूं। कोई भी जरूरी सुझाव आपके होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.